كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام مشائخ عظام بزرگان محترم شیوخ حدیث اساتذہ کرام طلباء عزیز برادران اسلام خواتین اسلام اور میری دعوت و درخواست پر لاہور سے خصوصی طور پر ملتان تشریف لانے والے اور ابھی اس مبارک تقریب میں پہنچنے والے میرے گرامی قدر برادر محترم جناب انجینئر بلیغ الرحمان صاحب گورنر پنجاب برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اس حقیقت کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ اعلان اور پروگرام کے مطابق وعدے کے مطابق اس اجتماع سے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خطاب فرمانا تھا اور بخاری شریف کی آخری حدیث کا مبارک درس بھی انہوں نے ہی دینا تھا. کل انہیں ملتان پہنچنا تھا مگر بعد ایسی عوارض پیش آئے, ناگزیر وجوہات پیش آ گئیں جس کی بنا پر وہ تشریف نہ لا سکے. اسی طرح قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی تشریف لانا تھا, وہ اپنے ناسازی طبع اور علالت و بیماری کی بنا پر تشریف نہ لا سکے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام اکابر کا اور جو جہاں اسٹیج پر موجود دائیں اور بائیں سامنے موجود اکابر بزرگ ہیں, اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھیں. مجھے انہوں نے حکم کیا کہ میں آپ کے سامنے آخری حدیث کا درس دوں. بالخصوص جامعہ کے اساتذہ کرام نے جبکہ اس اجتماع میں مجھ سے لاکھوں گنا بہتر اہل علم و فضل, اہل تقوی, اہل نسبت اور عظیم شخصیات شیوخ حدیث موجود ہیں, یہ ان کا مقام تھا کہ وہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ارشاد فرماتے, مگر میں اپنے جامعہ کے اساتذہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا سبق سنا رہا ہوں جو میں نے اپنے اکابر سے پڑھا ہے, اور اس ارادے اور نیت سے سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو یہ حضرات اس کی اصلاح فرما دیں گے. اگرچہ درسگاہ میں سبق سنانا آسان ہوتا ہے, اتنے بڑے مجمع میں سبق سنانا مشکل ہوتا ہے, لیکن امید رکھتا ہوں کہ موجود حضرات کی توجہات کی برکت سے اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرمائیں گے
कि मैं तही दामन होने के बावजूद चंद बातें इन हजरात की तवज्जो की बिना पर अर्ज कर सकूं। ये मजलिस आम मजलिस नहीं है, इसकी निस्बत है जनाब नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इसलिए कि अहले इल्म फरमाते हैं कि जिस मजलिस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पढ़ी और पढ़ाई सुनी और सुनाई जाए, उस मजलिस का हुक्म सरकार की मजलिस का है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का है। इसकी निस्बत है जनाब नबी करीम ताजदार मदीना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और हमारा ईमान और अकीदा है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ की निस्बत हो जाए अल्लाह ताला उसे भी आला और अफजल बना देते हैं। वो अगर कोई ज़र्रा हो तो अल्लाह उसको आफ्ताब व महताब बना देते हैं, वो कुछ भी ना हो तो अल्लाह उसे सब कुछ बना देते हैं। मैं कहा करता हूँ कि मदीना मुनव्वरा दुनिया के नक्शे और जुग्राफिये में पहले भी था, ये शहर पहले से मौजूद और आबाद था, लेकिन जब इस शहर को निस्बत हुई जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक इस शहर की मट्टी पर पहली मर्तबा जब लगे तो इस शहर का नाम भी बदल गया, इसका मकाम भी बदल गया। नाम इसका पहले यसरब था, वो यसरब मना कर दिया गया, हालांकि कुरान में भी ये नाम आया था, कहा आज के बाद इसको यसरब न कहना, आज के बाद इसको मदीना मुनव्वरा कहना, आज के बाद इसको मदीनतुर रसूल कहना, आज के बाद इसको मदीनतुन नबी कहना जाए, वो सबसे आला हो जाया करती है। मैं आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए चाहता हूँ, आप अपनी जबान से ये बात जरा कह दें, मैं कहलवाया करता हूँ, दिलो दिमाग में उतर जाए, आप सारे मेरे साथ एक जवाब मुझे दे दें, सबसे आला कहो हमारे पैगम्बर की सूरत, कोई जबान खामोश ना रहे। ऐ अल्लाह जो जो जवाब दे इनको मक्का मदीना दिखा दे, जो जो जवाब दे इनको जन्नती बना दे। वक्त थोड़ा है, जल्दी फरमाइए हमारे पैगंबर की सूरत सबसे, हमारे पैगंबर की सीरत, हमारे नबी का हुस्न जमाल, हमारे पैगंबर की आंखें, हमारे पैगंबर का चेहरा अनवर, हमारे पैगंबर का सर मुबारक, हमारे पैगंबर के बाल मुबारक, हमारे पैगंबर का सर से पांव तक का वजूद, हमारे पैगंबर की नमाज का तरीका, हमारे पैगंबर के हज का तरीका, हमारे पैगंबर के जिहाद का तरीका, हमारे पैगंबर के दावत व तबलीग का तरीका, हमारे नबी के पढ़ने पढ़ाने का तरीका, हमारे पैगंबर का मक्का, हमारे नबी का मदीना, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज, हमारे पैगंबर पर उतरने वाली किताब कुरान करीम, हमारे नबी की उम्मत, हमारे पैगंबर के सहाबा, हमारे पैगंबर का खानदान, ये सबसे आला है। तो याद रखो मेरे दोस्तों और भाइयों, जिस मजलिस की निस्बत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए वो मजलिस भी तमाम मजलिसों से आला है। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। इसकी निस्बत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जो मुबारक हैं वो घड़ियां जो हुजूर अली सलाम की हदीस को सुनने में सुनाने में गुजर जाएं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अली फ़ियूज़ुल हरमैन पे फरमाते हैं कि एक दिन मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक की तरफ अपने मुराकबे में तवज्जो की, हुजूर अली सलाम के सीना नबुव्वत की तरफ मैंने अपना ध्यान और तवज्जो की, मैंने अपने दिलो दिमाग को मुतवज्जे किया, तो फरमाया मुझे हुजूर अली सलाम के सीना मुबारक से नूर की शुआएं निकलती नजर आई, और ये नूर की शुआएं उन लोगों पर पड़ रही थी जो हुजूर की हदीस को पढ़ रहे थे और पढ़ा रहे थे, जो हुजूर की हदीस को सुन रहे थे और सुना रहे थे, और इन नूर की शुआओं का मुशाहदा भी अल्लाह वालों को हो जाया करता है। एक बुजुर्ग और आलिम गुजरे हैं शेख अब्दुल अजीज दब्बा रहमतुल्लाह अलैह, ये अनपढ़ थे, ये आलिम नहीं थे,
पढ़े लिखे नहीं थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन कुरान के हाफिज भी नहीं थे, लेकिन जब कुरान करीम कोई पढ़ता तो इनको पता चल जाता, जब हदीस पढ़ता तो पता चल जाता। इनसे किसी ने कहा जब कोई कुरान पढ़ता है तो आप फरमाते हैं ये कुरान पढ़ रहा है, जब कोई हदीस पढ़ता है आप कहते हैं ये हदीस पढ़ रहा है, जबकि आप तो आलिम भी नहीं है, आपको पता कैसे चलता है? तो फरमाया जब कुरान की कोई आयत पढ़ता है उसके मुंह से सूरज की रोशनी निकलती है, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान और हदीस पढ़ता है तो चांद की रोशनी निकलती है। मैं इन रोशनियों से समझ जाता हूँ ये कुरान पढ़ रहा है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ रहा है। तो मेरे दोस्तों ये नूर की शुआएं हदीस पढ़ने पढ़ाने वालों को मिल रही हैं। आप भी हुजूर की हदीस पढ़ने आए हैं, आज अभी हुजूर की हदीस पढ़ेंगे, सुन भी रहे हैं, इंशाल्लाह ये नूर की शुआएं, ये नूर आप तक भी पहुँचेगा, ये रोशनी आप तक भी पहुँचेगी। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी अक्सर लिखा गया है, इनके बारे में हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक जगह पर आए और उस जगह पर खड़े होकर कहने लगे कि इस जगह से मुझे नूर की शुआएं आसमान तक जाती नजर आ रही हैं और आसमान से नूर इस जमीन के टुकड़े तक आता नजर आ रहा है, पता करो ये जगह कौन सी है। जब तहकीक की गई तो पता चला कि दिल्ली के मुहद्दिस दहलवी शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अली यहां बैठकर हुजूर की हदीस पढ़ाया करते थे, इसलिए यहां से अनवारात निकलते हैं। मैं कहा करता हूं इन मदरसों की कदर करो, मस्जिदों की कदर करो, जब मस्जिदों में अल्लाह की इबादत होती है, मदरसों में कुरान पढ़ा जाता है, जब हदीसे पाक पढ़ी जाती है, दुरूद पाक पढ़ा जाता है, पूरे इलाके पर नूर नाजिल होता है, पूरे इलाके पर रहमतें नाजिल होती हैं, पूरे इलाके से अल्लाह मुसीबतों को टाल देता है, अल्लाह तकलीफों को हटा देता है। ये मदरसे सिर्फ अपनी जगह नहीं, पूरे मोहल्ले शहर के मुल्क के लिए अल्लाह की नेमत और रहमत है। जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मजलिस है, इसकी निस्बत है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हदीस की किताबों में सबसे आला किताब ये बुखारी शरीफ है, जिसका नाम अल जामिउ अस्सहीहु अल मुस्नदु अल मुख्तसरु मिन उमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिहि व अय्यामिहि है। इसको बुखारी तो इसलिए कहते हैं कि लिखने वाले इमाम बुखारी थे, बुखारा के रहने वाले थे, उस बुकिस्तान के रहने वाले थे, वरना इसका नाम बुखारी नहीं है। जामे सही मुस्नद मुख्तसर हुजूर की जिंदगी के बारे में ये इसका पूरा नाम है। इस किताब को इमाम बुखारी ने बुखारा में नहीं लिखा, समरकंद में नहीं लिखा, ताशकंद में नहीं लिखा, दुनिया के कई मुल्कों में गए हैं, 1000 से ज्यादा साथ हैं जिनसे इल्म हासिल किया है, मगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को लिखा है मक्कतुल मुकर्रमा में, मस्जिदे हराम में, खाना काबा के पास बैठकर, बैतुल्लाह के पास बैठकर, हतीम में बैठकर इस किताब को लिखा है। और इसके जो उन्वानात कायम किए हैं, तराजिम और अबवाब कायम किए हैं, वो मदीना पाक में, मदीना मुनव्वरा में हुजूर के मिंबर और हुजूर अली सलाम के रोजा मुबारक के दरमियान बैठकर, गोया रियादुल जन्ना में बैठकर इसके उन्वानात लगाए, इसकी सुर्खियां लगाई, तराजिम और अबवाब को कायम किया और फरमाते हैं मुझे 16 साल लगे, मैंने 16 साल हुजूर अली सलाम की हदीसों पर मेहनत की और 6 लाख अहादीस में से मैंने इन अहादीस का इंतखाब किया जो तकरीबन 6000-8000 हैं, इनके अहादीस का इंतखाब करके मैंने 16 साल में इनको लिखा। और फरमाते हैं इस पूरे 16 साल के अंदर एक दिन का भी रोजा नहीं छोड़ा, पूरे 16 साल मैंने रोजा रखकर यह किताब लिखी है। सुभान अल्लाह कहो, 16 साल रोजे रखे, हर हदीस के लिखने से पहले 2 रकात नफल पढ़े, इस्तिखारा किया, अल्लाह ये तेरे महबूब पैगंबर का फरमान है, मेरी तहकीक के मुताबिक ये तेरे नबी का अमल है, ये तेरे महबूब पैगंबर
की बात है। अब तू मेरे दिल में डाल दे कि मैं सही समझा या गलत समझा, अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ। तो फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके अंदर हदीस को लिखा है, 16 साल जिस किताब को इमाम बुखारी ने मुरतब किया, जिसके अंदर 16 साल रोजे रखे, जिसमें इमाम बुखारी ने तकरीबन 16,000 रकातें पढ़ी, इसलिए कि 8,000 हदीसें हैं, हर हदीस पर 2 रकात नफल पढ़े तो गोया 16,000 नफल की नमाजें रकातें पढ़ी हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अली की इस किताब का। आज मैं और आप भी पढ़ने लगे हैं और उस सिलसिले से जुड़ने लगे हैं जो सिलसिला 1400 साल से हम तक मिला आ रहा है। शेखुल इस्लाम मेरे शेख व मुरब्बी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब फरमाया करते हैं, फरमाते हैं तुमने ट्रेन देखी है, गाड़ियों में सफर भी किया है, जब तुम ट्रेन में बैठते हो तुमने देखा होगा उसमें एयर कंडीशन का डब्बा भी होता है, आम स्लीपर भी होता है, उसमें सेकंड क्लास का डब्बा भी होता है। अगर तुम सेकंड क्लास में भी बैठे, वो डब्बे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जब वो इंजन उन डब्बों को खींच कर ट्रेन को लेकर कराची या पिशावर पहुंचता है, तो जहां एयर कंडीशन डब्बा पहुंचता है, जहां स्लीपर वाला डब्बा पहुंचता है, जहां पर और बड़े बड़े आलीशान डब्बे पहुंच जाते हैं, वहां जो सेकंड क्लास में बैठा मुसाफिर है वो भी उसी वक्त में कराची पहुंच जाता है। तो फरमाते थे तुम भी हदीस के तालिब इल्म बन जाओ, तुम भी हदीस को पढ़ लो, ताकि हदीस के इस सिलसिले में जो एयर कंडीशन लोग थे, मुहद्दिसीन और फुकहा थे, मुजतहिदीन थे, आइम्मा थे, जिन्होंने जिंदगियां इसमें गुजार दी, जब उनकी गाड़ी और उनके डब्बे के साथ तुम अपना डब्बा जोड़ दोगे, जब उनकी गाड़ी जन्नत में पहुंचेगी तुम भी जन्नत में पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। इसलिए आज हम अपने डब्बे को जोड़ने लगे हैं, आज हम भी यह हदीस पढ़कर इमाम बुखारी के शागिर्द बनने लगे हैं, मुहद्दिसीन के सिलसिले से जुड़ने लगे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अली ने जो आखिरी बाब कायम किया है, ये बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अली ने वज़न आमाल का कायम किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अली की आदत है, वो अपने अल्फाज को उनवान नहीं बनाते, वो अक्सर कुरान की आयात को या हुजूर की अहादीस को या सलफ़े सालिहीन के कौल को उनवान बनाते हैं, इशारा करते हैं कि मेरे लफ्ज़ों में बरकत नहीं, जो कुरान में बरकत है, हदीस में जो बरकत वो मेरे लफ्ज़ों में नहीं, जो बुजुर्गों की बातों में बरकत वो मेरे अल्फाज में नहीं। यहाँ भी कुरान की आयत को उनवान बनाया और कुरान की आयत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनज़ुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम इंसाफ के तराजू और एक माना के मुताबिक इंसाफ कायम करने के लिए हम क़ियामत के दिन तराजुएं रखेंगे, मैदान माशर होगा, हिसाब व किताब होगा, नेकियों और गुनाहों को तोला जाएगा, हर एक का गुनाह भी तोला जाएगा, नेकी भी तोली जाएगी, हम तराजुएं कायम करेंगे और उसके अंदर जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया वो कामयाब हो जाएगा, जिसके गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया वो नाकाम हो जाएगा। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है, इससे मकसद इमाम बुखारी का एक अकीदे का बताना है। अकीदा ये है अहलुस सुन्नत वल जमात का कि क़यामत हक है, क़यामत का हिसाब व किताब हक है, मीज़ान अदल हक है, तराजू हक है, सच है। अल्लाह ने जो कहा हम ईमान लाते हैं कि नेकियों को तोला जाएगा, गुनाह को भी तोला जाएगा। एक पुराने जमाने में गिरोह था, फिरका था, जिसको मोतजिला कहते हैं, आज इस नाम का फिरका नहीं है, आज इस नाम का गिरोह नहीं है। मेरे दोस्तों एक बात याद रखो, हक हमेशा कायम रहता है, हक वाले भी हमेशा कायम रहते हैं, बातिल भी मिट जाता है, बातिल वाले भी मिट जाते हैं, इन्नल बातिला कान ज़हूका, बातिल मिटने के लिए आया। आज मोतजिला को कोई नहीं, उसका नाम फिरका नहीं है, जहमिया नहीं है, मुर्जिया नहीं है, कर्रामिया नहीं है, ये सब खत्म हो गए, अहलुस सुन्नत वल जमात बाकी है। जिसने इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े मारे थे उसका नामो निशान कोई नहीं जानता, इमाम अहमद बिन हंबल आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह।
मेरे दोस्तों मालूम हुआ कि कभी बातिल हमेशा नहीं रहता। उनका अकीदा ये था, उनका नजरिया ये था, वो अकल की बुनियाद पर कहते थे कि कोई नहीं तोला जाएगा, इसलिए कि नमाज कोई कभी नहीं तोल सकता, नमाज अलग नजर नहीं आती, रोजा अलग वजूद नहीं रखता, कुरान की तिलावत अलग मौजूद नहीं, अल्लाह का जिक्र अलग मौजूद नहीं, दुरूद पाक अलग मौजूद नहीं, सच अलग मौजूद नहीं। कभी आपने नहीं कहा दुकानदार को मेरी नमाज तोल दे, मेरा कुरान की तिलावत तोल दे, ये मेरा जिक्र तोल दे, इसलिए कि उसका अलग वजूद नहीं है, वो हिस्सी नहीं है, वो जौहर नहीं है, वो अर्ज है और अर्ज को नहीं तोला जा सकता। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। कहा जहां कुरान या हदीस में तोलने की बात आती है उससे मुराद अदल और इंसाफ है, कि अल्लाह ताला इंसाफ करेंगे, तोलने का इनकार कर दिया। जबकि कुरान में अल्लाह ने वाजे कहा वल वज़्नु यौमइज़िन हक, कुरान में अल्लाह ने कहा फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फौलाइक हुमुल मुफ्लिहून वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु फौलाइकल लदीना खसिरू अनफुसहुम, और कुरान में अल्लाह ने कहा वनज़ुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, मेरे महबूब पैगंबर से फरमाया तोला जाएगा। उन्होंने इनकार किया, इनकार अकल की बुनियाद पर किया कि समझ में बात नहीं आई, दिमाग में नहीं आई, इसलिए इनकार कर दिया। इमाम बुखारी ने उनका रद्द किया और अहले सुन्नत का अकीदा साबित किया और कहा हमारा ईमान है इन्ना अमाल बनी आदमा व कौलहुम यूज़नु। इमाम बुखारी ने इस कौल को भी इख्तियार नहीं किया कि नामा अमाल को तोला जाएगा, इमाम बुखारी ने इस कौल को भी इख्तियार नहीं किया कि अमल करने वाले आदमियों को तोला जाएगा, इमाम बुखारी ने कहा नहीं अमलों को ही तोला जाएगा, बोल और कौल को ही तोला जाएगा, और कहा अगर अकल में नहीं आता तो ना आए, हम अकल परस्त नहीं, हम तो खुदा परस्त हैं। सारे कह दो हम क्या हैं, हमने अकल के पीछे चलना है या अल्लाह के हुक्म पर चलना है, हमने अकल के पीछे चलना है या हुजूर के पीछे चलना है। ये अकल शरीयत के नीचे है, शरीयत अकल से ऊपर की चीज है, ये अकल अल्लाह ने शरीयत को समझने के लिए दी है। शरीयत की बुनियाद वही इलाही पर है, वही का मकाम अकल से ऊपर है, जहां आंख नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते, वहां अकल काम करती है, जहां अकल काम नहीं कर सकती वहां अल्लाह की वही रहनुमाई करती है। इसलिए मेरे दोस्त और भाइयों हमने अल्लाह की बात माननी है, लेकिन आज तो अकल की दुनिया में भी मानना पड़ेगा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ये दुनिया खत्म नहीं होगी, कयामत नहीं आएगी जब तक कि अल्लाह ताला अकलों की बुनियाद पर भी मनवा नहीं लेगा कि कुरान सच्चा है, मेरे नबी का फरमान सच्चा है। उस जमाने में तो ये बात लोग करते थे, आज आप देखें आराज को तोला जा रहा है, आज गर्मी को तोला जा रहा है, सर्दी को तोला जा रहा है। गर्मी अलग वजूद नहीं रखती, सर्दी अलग वजूद नहीं रखती, आज थर्मामीटर से बुखार को तोला जा रहा है, वो बता देता है तुम्हारे जिस्म में गर्मी कितनी है, आज शुगर को नापा जा रहा है कि तुम्हें 101 शुगर है, नॉर्मल है या तुम्हारी ज्यादा शुगर है, आज बिजली और गैस को तोला जा रहा है। इतने आलात और मीटर आ गए हैं, जबकि बिजली का अलग वजूद नहीं, गैस का अलग वजूद नहीं, गर्मी सर्दी का अलग वजूद नहीं, हवा को तोला जा रहा है। अगर आज का इंसान अल्लाह के दिए हुए दिमाग और अकल को इस्तेमाल में लाकर गर्मी तोल सकता है, हवा को तोल सकता है, सर्दी को तोल सकता है, बुखार को तोल सकता है, अगर गैस को तोल सकता है, बिजली को तोल सकता है, तो जिस अल्लाह ने इंसान को ये अकल दी है, ये दिमाग दिया है, क्या वो अल्लाह इस पर कादर नहीं है कि मेरी और आपकी नमाज को तोल ले, मेरे और आपके रोजे जकात हज और सदके खैरात को तोल ले, वो अल्लाह मेरे और आपके सच को तोल ले, वो हमारे गुनाहों को तोल ले। अल्लाह तो इतना कादिर मुतलक है कि अहले इलम फरमाते हैं आदम अली सलाम से लेकर आज तक जितने मर्द इंसान पैदा हुए और जितने क़यामत तक पैदा होंगे, जिस शक्ल पर अल्लाह ने एक इंसान को एक मर्तबा पैदा कर दिया, उस शक्ल पर अल्लाह ने दोबारा किसी इंसान को पैदा नहीं किया। हजरत हव्वा से लेकर आज तक जिस औरत लड़की को अल्लाह ने जिस शक्ल पर पैदा कर दिया, वो खा कब्र में चली गई हो, उस शक्ल पर अल्लाह ने दोबारा किसी औरत को पैदा नहीं किया। ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल और करम है कि उसकी ताकत कुदरत है। मेरे आदमी तक कुरान का तर्जुमा। फिर इन्होंने जब वजीर तालीम थे हमसे कहा
पांचों विफाक मुख्तलिफ मकाति बेफिक्र के एक एक आलिम को बतौर नुमाइंदा दें। हमने विफाकुल मदारिस की तरफ से मौलाना मंजूर मेंगल दामत बरकातुम का नाम दिया। दो से ढाई साल हमारे मोहतरम बलीगुर रहमान साहब की निगरानी में उन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा मुरतब किया ताकि पाकिस्तान के मुसलमानों को एक तर्जुमा मिल जाए, और स्कूलों में जब कुरान का तर्जुमा लाजमी हो तो ये सवाल न उठाए यहाँ अहले सुन्नत देवबंदियों का तर्जुमा पढ़ाएं, या अहले सुन्नत बरेलवियों का पढ़ाएं, या अहले हदीसों का पढ़ाएं, या जमात इस्लामी का पढ़ाएं, या किसी और का पढ़ाएं। इन्होंने कहा एक कुरान का तर्जुमा इकट्ठा उलमा मिलकर तैयार कर दें ताकि हम वो स्कूलों में पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोशिशों से उलमा ने कुरान का एक मुत्तफिका तर्जुमा कुरान दो से ढाई साल मेहनत करके तैयार करके दे दिया, जो इंशाल्लाह स्कूलों में जारी हो रहा है। सुभान अल्लाह कह दो। इनका बयान भी होना है इसलिए मैं अपनी बात बहुत सी बातें दरसगाह में हो जाएंगी। मैं आपको आखिरी हदीस पढ़ाता हूँ, आप सब मेरे साथ हदीस पढ़ लें, हदीस के तालिबे इल्म बन जाएं, मुतवज्जे हो जाएं दिल से हुजूर अली सलाम की तरफ। हुजूर का हुजूर के सीने से नूर निकलता है जो हदीस पढ़ने वालों तक पहुँचता है, वो आप तक पहुँच रहा है और ये आपको मदारिस की बरकत से मिल रहा है। सारे मुतवज्जे जो खड़ा है वो अगर बैठ सकता हो तो बैठ जाए, बैठने की जगह ना हो तो खड़े होकर पढ़ ले, लेकिन बेहतर है कि बैठ जाओ हुजूर की हदीस के अदम में बैठ जाओ और सारे मेरे साथ इस हदीस को पढ़ लो, सारे मुतवज्जे हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज से पढ़ो, ऊंची आवाज से पढ़ो, फरिश्ते गवाह हो रहे हैं, जहां तक जाओगे आवाज जाएगी, फिजा भी गवाह हो जाएगी। बुलंद आवाज से पढ़ो। قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो कलमे मुराद कलाम हैं, रहमान को बहुत पसंद हैं। अल्लाह ने फरमाया, फरमाया रहमान को, ताकि इशारा हो कि जो इनको पढ़ेगा रहमान की रहमत उन पर नाजिल हो, रहमत की तजल्लियां आएंगी, इसलिए रहमान फरमाया। और यह भी रहमान की शान है, मामूली नेकी पर बड़ा सवाब दे देना। फरमाया रहमान को पसंद है, फिर पसंद है बहुत बड़े, पहले ही फरमानी दो कलमे हैं, कोई लंबी चौड़ा वजीफा नहीं है। एक तस्वीर हुजूर बताने लगे, शौक पैदा किया, दो कलमे हैं, रहमान को पसंद है ये भी, और इनका पढ़ने वाला भी रहमान को पसंद है। जबान पर हल्के फुलके हैं, बच्चा भी अदा कर लेगा, मगर क्यामत के दिन तराजू में भारी है। इसी से साबित कर दिया, भारी तब होंगे जब वजन होगा, मालूम तोला जाए। और ऐसी हदीस लाए जिसमें कौल का तोलना भी साबित, अमल का तोलना भी साबित। क्यों? इसलिए कि ये सुभान अल्लाह कौल हो गया और जबान का अमल है, इसलिए अमल भी हो गया। तो फरमाया कौल भी तोला जाएगा, अमल भी तोला जाएगा। और वो फिर शौक पैदा करके बताया, फरमाया वो कौन से दो कलमे हैं, फिर पढ़ लो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अलअज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अलअज़ीम। अल्लाह ऐबों से पाक हैं, तमाम कमालात के जामे हैं। वक्त नहीं कि मैं इसकी तफसील में अब बयान करूं, फिर कभी सही, लेकिन चार पांच बातें खुलासे के तौर पर अर्ज करता हूं। पहली बात, इमाम बुखारी ने अपनी किताब को शुरू किताबुल ईमान से किया, खत्म किताबुल तौहीद पर किया। तौहीद भी ईमान है, गोया ये कहा अपने ईमान की हिफाजत करना, ईमान का ख्याल करना, शुरू में भी ईमान आखिर में भी ईमान। एक जुमला कहा करता हूं, सुना हुआ है बुजुर्गों से, तुम अपने ईमान को बचाकर कब्र तक ले जाओ, फिर कब्र से आगे जन्नत तक ईमान तुम्हें ले जाएगा।
अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, हम सब को अल्लाह ताला ईमान का फिक्र की तौफीक अता फरमाए अपनी और औलादों के ईमान की। और ईमान की अजमत इतनी समझ लो, ईमान ना हो हाजियों को पानी पिलाना काम नहीं आता। काफिर मुशरिक हाजियों को पानी पिलाते थे, बैतुल्लाह की सफाई करते थे, कई दाढ़ियों से करते थे, मगर उनका अजर बदला अल्लाह दुनिया में दे देगा, आखिरत में अजाब हल्का कर देगा, जाएंगे जहन्नम में। पानी पिलाना हाजियों को काम नहीं आएगा काफिरों के, क्योंकि ईमान नहीं। और अगर ईमान हो तो फिर बदकारा औरत का प्यासे कुत्ते को पानी पिलाना भी काम आ जाता है। हुज़ूर ने फरमाया, बदकारा औरत थी, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, आवाज आई, तुझे हमने जन्नत में दाखिल कर दिया, क्योंकि ईमान था। ईमान, एक तो ईमान का ख्याल करो, दूसरी बात इमाम बुखारी ने मुतवज्जे किया, अपनी कबर आखिरत मौत हिसाब किताब को याद रखो, और तीसरी बात इस तरह मुतवज्जे किया कि नेकियां ज्यादा करो ताकि तुम्हारे नेकियों का पलड़ा भारी हो, खास तौर पर नमाज कभी ना छोड़ो, और एक इस तरफ मुतवज्जे किया अपनी जबान की हिफाजत करो, और एक इस तरफ मुतवज्जे किया जब भी कोई दीन का मसला बयान करो अटकल से बयान ना करो, पूरी दलील के साथ जिम्मेदारी से बयान करो। क्यों? इसलिए कि इमाम बुखारी भी जो हदीस बयान करते पहले सनद लाते हैं, सनद हदीस के हदीस होने की दलील है, मसले की दलील है। उलमा भी अवाम भी जब दीन का मसला बयान करें जिम्मेदारी से बयान करें। और एक ये कहा कि जब भी कोई नेक अमल करो या बात करो अपने दिल को टटोल लो इखलास है या नहीं, क्योंकि तुम्हारी नेकियों में वजन जो आएगा ये नहीं कहा तोला गिना जाएगा, कहा तोला जाएगा, वजन इखलास से आएगा। अल्लाह की रजा के लिए करोगे तो उसके अंदर वजन आएगा, अल्लाह की रजा के लिए नहीं होगा तो वजन नहीं होगा। और आखिरी बात यह कही कि अपनी जबानों को अल्लाह की तस्वीर और जिक्र से आबाद रखा करो, तरोताजा रखा करो। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। मैं अभी चूंकि गवर्नर साहब का बयान होना है, दुआ भी होनी है, और ये इन बच्चों की दस्तारबंदी, खड़े हो जाओ बच्चों, पहले कुरान के हाफिज खड़े हो जाए, माशाल्लाह ये सारे आप जरा देखो इनकी तरफ और कहो मुबारक मुबारक। ये तकरीबन खैरुल मदारिस से और उसकी शाखों से 250 के करीब कुरान के हाफिज हैं जो इस साल गवर्नर साहब तैयार होकर जा रहे हैं, 300 कुरान के हाफिज हैं जो खैरुल मदारिस की शाखों से जा रहे हैं, 300 कुरान के हाफिज। बैठ जाओ, बच्चियां जो हैं वो तालीम उन्निसा में वो अलग हैं। अब मैं उन तलबा को खड़ा कर रहा हूं जो आलिम का कोर्स पूरा करके दौरा हदीस से फारिग होकर जा रहे हैं, जो तकरीबन 200 हैं, ये तमाम पूरे मुल्क के इधर मुंह कर लो भी, आप सारे कहो मुबारक मुबारक, आप कहो खैर मुबारक खैर मुबारक, माशाल्लाह। अब उन तलबा को खड़ा कर रहा हूं जो 2 साल का मुफ्ती का इफ्ता का कोर्स करके यहां से जा रहे हैं, वो खड़े हो जाए मुतखसिसीन, जरा इनको भी देखो और इनको भी मुबारक दे दो, माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ हजरत मुफ्ती हसन साहब, हमारे ख्वाजा खाजगान खानका सिराजिया कुंदिया शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत मौलाना ख्वाजा खलील अहमद साहब दामद, इनके अब्बा जान खैरुल मदारिस को अपना मदरसा समझते थे, हर प्रोग्राम में तशरीफ लाते थे, इनका भी शुक्रगुजार हूँ। जितने भी स्टेज पर उलमा मौजूद हैं, मौलाना रशीद अहमद शाह जमाली साहब, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब, मौलाना जुबैर अहमद सिद्दीकी साहब और हमारे असातज़ाए किराम, इन सब का शुक्रगुजार हूँ। हमारे मुल्तान के कमिश्नर चौधरी साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, इनको मैंने दावत दी, मोहब्बत से आए, हम इन सब के शुक्रगुजार हैं। मुल्तान इंतजामिया के, पुलिस के, वापटा के, तमाम महकमों के, बल्दिया के, कारपोरेशन के, सफाई के अमले के, जिन्होंने हमारे साथ तआवुन किया। आपने बैठे रहना है और इस मोहब्बत में कि इनके साथ आपने आज ये दुल्हा है, असल में इनकी अभी दस्तारबंदी हो गई है, इनके बुजुर्ग सरों पर हाथ रखेंगे और फिर दुआ होगी, मजीद तकरीबन 20 से 25 मिनट फिर हम नमाज असर अदा करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर को वक्त मुस्तहब और जवाज में अदा करेंगे। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूं मोहतरम जनाब मियां बलीगुर रहमान साहब, अल्लाह ने इनको बहुत खूबियों से नवाजा है, मैं इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूं, मेरी दावत पर ये यहां तशरीफ लाए। मोहतरम जनाब मियां बलीगुर रहमान साहब, गवर्नर पंजाब।